आपके साथ केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वो भी है खजूर वाला केक, जिसमें हम अखरोट और ऑरेंज का फ्लेवर दे के बनाएंगे, यानी कि डेट और वॉलनट केक बनाएंगे, जो कि विंटर में बहुत ही अच्छा और खाने में बड़ा टेस्टी और बड़ा हेल्दी है। तो उसके लिए जो जो चीज़ें मैंने ली हैं, इवन 250 ग्राम मैंने ये खजूरें ली थी, इनको साफ़ कर लिया, अच्छी तरह धो लिया और इसकी गुठलियाँ निकाल ली हैं। तो इसके अलावा हम लेंगे 100 ग्राम के करीब हमने ये अखरोट लिए हैं, अखरोट गिरी लिए है, एक ऑरेंज डालेंगे इसमें और 2 अंडे डालेंगे। बाकी सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने ये जो 200 ग्राम के करीब ये मेरी कटी हुई खजूरें हैं, बाकी मैंने डेकोरेशन के लिए रख दिए। तो हम क्या करेंगे, ये मेरे पास 3/4 कप दूध है, वो भी बहुत गर्म दूध है, वो हमने इसमें खजूरों में डाल देंगे। इसमें ये देखिए, ये गर्म दूध है, डाल के इसको भिगो के कम से कम 15 से 20 मिनट रखेंगे, ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। तो हम इसको ढक के रेस्ट कर देते हैं, रेस्ट के लिए रख देते हैं। तो उसके बाद अगला प्रोसीजर करते हैं। अखरोट का केक बना रहे हैं, तो हम जब हमने खजूरें भिगोई थी दूध में, गर्म दूध में, वो इसको 20 से 25 मिनट हो गए हैं, इस तरह सोक हो गई है, सॉफ्ट भी हो गई है, दूध भी मिक्स हो गया इसमें। तो ये हम एक साइड पर रखते हैं। अब हम एक मिक्सर ग्राइंडर लेते हैं, तो जार लेते हैं बड़ा वाला, उसमें हम डालेंगे इसमें 2 अंडे, आप हैंड ब्लाइंडर से भी इसको कर सकते हैं, मिक्सी में करेंगे तो बड़ी इजीली और बड़ी जल्दी हो जाते हैं। 2 अंडे ले लिए हमने। हम ऑरेंज केक भी साथ में, ऑरेंज का फ्लेवर दे रहे हैं, तो मैंने एक ऑरेंज लिया और उसको ऐसे टुकड़ों में काट के उसकी बीज निकाल दिए और छिलक समेत ही हम इसमें डाल देंगे मिक्सी में। और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून के करीब वनीला एसेंस। और 3/4 कप डालेंगे चीनी। और 3/4 कप भी हम इसमें डालेंगे ऑयल, कोई सा रिफाइंड ऑयल आप डाल सकते हैं, आप बटर भी डाल सकते हैं इसमें। ये देखिए, अब हम इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं। चीनी और ऑरेंज हमारे बिल्कुल इसमें पिसते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। हमने 1 मिनट इसमें जो पेस्ट डाले, 2 अंडे डाले थे, 3/4 कप चीनी, 3/4 कप ऑयल और एक ऑरेंज और वनीला एसेंस। ये हमने 1 मिनट इसको ग्राइंड कर लिया, ये हमारा गाढ़ा सा कस्टर्ड की तरह बैटर बन गया। तो अब हम इसको एक पैन में निकाल लेते हैं। ऑरेंज वाला पेस्ट तैयार है, और ये हमारी खजूर भी दूध में भीग चुकी है, और ये वॉलनट भी हमारे पास हमारे कटे हुए रखे हुए हैं। तो हमने अब लिया है 1.5 कप मैदा, ये वाला लिया, आप कोई भी कप ले सकते हो, उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये 1.5 कप लिया है मैंने मैदा, अब इसमें डालेंगे हम, मैंने चुटकी नमक भी डाल दिया, 1/2 टीस्पून के करीब हम बेकिंग सोडा है ये मेरे पास, ये डालेंगे, और 1 टीस्पून के करीब, ये देखिए 1 टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर डालेंगे। इनको छान लेते हैं। मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डाल के इसको छान लिया, अब हम ये वाला अपना जो मैदा है इसमें डाल देंगे, इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हमारा मैदा इसमें मिक्स हो चुका है, अब जो हमने खजूरों का दूध में भिगो के रखी थी वो भी इसमें डाल देंगे। उनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारे पास अखरोट है, हम 1 टेबल स्पून के करीब मैदा लेंगे सूखा और इसमें डालेंगे, और इसमें ये अपने अखरोट डालेंगे, थोड़े से हम गार्निश के लिए रखेंगे ऊपर से। मैदे में कोट करने का ये फायदा होता है कि ये नीचे बैठेंगे नहीं तेज के, इसको हम इसमें डाल देते हैं।
और इसको भी मिक्स कर लेते हैं हल्के हाथ से। अब एक केक टिन लेंगे जिसको मैंने ग्रीस करके बटर पेपर लगा के मैदे से डस्टिंग कर लिया। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप ऑयलिंग करके उसके ऊपर मैदा छिड़क के इसको बना सकते हैं। तो हम इसमें अब डालेंगे, ओवन हमने प्रीहीट करने के लिए रख दिया, हमारा बैटर इसमें डाल दिया केक टिन में। अब इसको थोड़ा सा हल्का टैप करेंगे, ये भी कोई ढीला नहीं होना चाहिए, थोड़ा टाइट ही होना चाहिए, नहीं तो इसके सारे खजूर और वॉलनट है नीचे बैठ जाएंगे। तो इसमें दूध डालने की जरूरत नहीं, हमने पहले डाल दिया था। अब हम इसके ऊपर थोड़े से अखरोट डाल देते हैं। अब थोड़ी सी खजूरें पड़ी हैं जो हमारे पास बची थी, वो भी डाल देते हैं। इसको प्री हीट ओवन में 40 मिनट के लिए बेक करेंगे। ओवन में मैंने इसको 180 डिग्री पर 40 से 45 मिनट तक बेक करने के लिए रख दिया। पहले हमें 10 मिनट इसको प्रीहीट करना है, जब तक आपके ओवन पे डिपेंड करता है, किसी में 50 मिनट भी लग सकते हैं, किसी में 40 से 45 मिनट। मैं इसको बंद कर देती हूँ, कभी इसको 40 मिनट बाद हम देखेंगे। फिर मैं 40 मिनट हो गया मेरे इस केक को रखे हुए, तो बेक हो चुका होगा। अब हम इसको स्क्वेयर या किसी आप छुरी से देख सकते हैं, बीच में डाल के क्लियर निकलती तो आपका केक बनकर तैयार है। ये हमारा केक बनकर तैयार है। अब हम इसको बंद कर देते हैं ओवन को और 5 मिनट इसमें पड़े रहने देते हैं। अगर कसर होगी तो वो भी पक जाएगा, फिर हम इसको बाहर निकाल के ठंडा करेंगे, फिर आपको केक बेक होकर ठंडा हो गया। अब हम इसको निकाल लेते हैं, एक प्लेट लेते हैं, ये देखिए तो भाई। अब ये जो हमने बटर पेपर निकाल लगाया था वो भी निकाल, अभी भी ये गर्म है, तो अभी हम इसको एक रैक पे रख देते हैं। ये हमारा केक वॉलनट खजूर विद ऑरेंज केक बनकर तैयार है फ्लेवर का। तो अभी हम इसको बाद में काटेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। देखिए हमारा खजूर और अखरोट ऑरेंज फ्लेवर के साथ जो मैंने केक बनाया था ठंडा हो चुका है, तो और बहुत मॉइस्ट और बहुत अच्छा बना है और कलर भी बड़ा अच्छा है। तो अब इसको हम काटेंगे, तो मैं आपको काट के दिखाती हूँ। हमारा केक बनकर तैयार है और हमने काट लिया है, आप देख सकते हैं कितना मॉइस्ट और कितना स्पंजी केक बना है, और बहुत टेस्टी और बड़े डिलीशियस बनता है। आप ज़रूर बनाइएगा ये हमारा ये खजूर और अखरोट और विद फ्लेवर इसका ऑरेंज का हमने डाल के एक यूनिक तरीके से केक तैयार किया है। बनाइए खाइए। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।